सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट का जयराम रमेश ने क्यों किया जिक्र, कैसे बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन। कांग्रेस ने संसद में कई विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ गठित करने के निर्णय का सोमवार यानी कि 15 जुलाई को स्वागत किया। इसके साथ साथ कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस साल नवंबर में रिटायर होने से पहले इस पर फैसला आ जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात का दावा करते हुए कहा कि सरकार ने धन विधेयक से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 110 का बहुत ज्यादा ही दुरुपयोग किया है। साथ ही साथ जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया जिनमें राज्यसभा को कथित तौर पर दरकिनार करने के लिए आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख कपिल सिब्बल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया था कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। सीजीआई ने कहा, जब मैं संविधान पीठ का गठन करूंगा तब निर्णय लूंगा। जयराम रमेश ने कोर्ट के इस आदेश को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, पिछले 10 सालों में कई विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक घोषित कर संसद में पारित किया गया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण 2016 का आधार अधिनियम है। मैंने इसे धन विधेयक घोषित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और तत्कालीन चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में इस घोषणा को संविधान के साथ धोखाधड़ी कहा था। मैंने इस तरह के अन्य मामलों को भी चुनौती दी थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2014 से अनुच्छेद 110 के घोर दुरुपयोग पर याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक अलग संवैधानिक पीठ गठित करने का चीफ जस्टिस का फैसला एक स्वागत योग्य है। उम्मीद है कि नवंबर 2024 में उनके रिटायर होने से पहले अंतिम निर्णय आ जाएगा, लेकिन इस मामले में अब कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर सीजीआई ने यह फैसला कांग्रेस के पक्ष में सुना दिया तो सीधे सीधे नुकसान और झटका बीजेपी को लगेगा। लेकिन आने वाले वक्त में ये साफ होगा कि सीजीआई इस पर क्या और कैसा फैसला सुनाएंगे और फैसला किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इस बात से खुश है क्योंकि सीजीआई ने इस पर एक बड़ा फैसला जरूर लिया है, लेकिन निर्णय क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।